हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो एग्जाम में हमेशा उससे एक या दो नंबर से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के लिए। देखिए, फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में AO ह्यूम ने किया था मुंबई में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में वो किया था AO ह्यूम ने किया था मुंबई में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बंग बंग आंदोलन। बंग बंग आंदोलन तो उसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, जो हुआ था 1905 में। बंग बंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, जो उसे भी स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग बंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, जो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था, यह ढाका में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस के विभाजन हुआ था 1907 में। एक कांग्रेस के विभाजन हुआ था 1907 में, इसे सूरत अधिवेशन भी कहते हैं। सूरत अधिवेशन या कांग्रेस का अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसमें नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ जो पैक्ट था दिसंबर 1916 में हुआ था, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम और लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा 19 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट देखिए 1919 है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में, इसे काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के संदेह था उस पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना मुकदमा किए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए 19 मार्च 1919 को काला कानून उसको कहते हैं, रॉलेट एक्ट को। उसके बाद देखिए है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। उसके पहले हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें जनरल और डायर ने अंधाधुंध गोले चलाकर कई मासूमों की जान चला गया था। ये कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ, पंजाब में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में किसने किया था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था खिलाफत आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हंटर कमेटी रिपोर्ट। हंटर कमेटी रिपोर्ट 28 मई 1920 को हुआ था। हंटर कमेटी रिपोर्ट 28 मई 1920 को हुआ था। जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर और किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग से संबंधित है। कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था 28 मई को। इस तरह की इसको याद रखेंगे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित किया गया था कौन सा अधिवेशन में, पूछा जाए तो बोला है कि नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ, तो आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को।
आरंभ हो गया था 1 अगस्त 1920 को, उसके बाद पारित किया था नागपुर अधिवेशन में। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया था महात्मा गांधी ने, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है चौरा चौरी कांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। चौरा चौरी कांड है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिले में। और इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 वाला, तो उसके बाद स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। स्थगित क्यों कर दिया था, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो 5 फरवरी 1920 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं रिपीट। फर्स्ट डिवीजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने मुंबई में किया था। उसके बाद बंग बंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में किया था। कांग्रेस का विभाजन, तो कांग्रेस के विभाजन 1907 ईस्वी में गरम और नरम दल का विभाजन हुआ था, इसे सूरत अधिवेशन भी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट। उसके बाद रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में काला कानून कहते हैं इसे के नाम से। जनरल बाग 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1920 में शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी 1920 में जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में चालू हो गया था जो महात्मा गांधी ने किया था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।